ना यहाँ से बाइक ले ली है। ये है इजी रेंट सर्विसेज जो है सागाओं में, और ये उनका हाउस है। ये देखिए यहाँ पे ही सब मेंटेनेंस करते हैं। ये सब बाइक से लाइन से अंदर आप देख सकते हो। तो ये है बाइक जो हमने अभी ली है, स्कूटर है उसमें आप देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने ना मोबाइल होल्डर भी लगा के दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। हमें अभी तक कहीं पे भी ना ये मोबाइल होल्डर मिला नहीं था। अभी इस गुड मॉर्निंग, आज का दिन हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज हम जाने वाले एक प्लेस के ऊपर जो है चीचू टनल, पता नहीं क्या नाम है। तो उसके लिए ना हम यहाँ से ना कैब बुक की है, और फिर हम जाएंगे एक बाइक रेंट करने के लिए। बाइक रेंट करके फिर आगे, और ये रही हमारी कैब। तो चलिए अभी यहाँ से जाते हैं बाइक बुक करने के लिए। यहाँ पर बहुत धूप है ना, यहाँ से बाइक ले ली है। ये है इजी रेंट सर्विसेज जो है सागाओं में, और ये उनका हाउस है। ये देखिए यहाँ पे ही सब मेंटेनेंस करते हैं। ये सब बाइक से लाइन से अंदर आप देख सकते हो। और हमने ली है ये वाली बाइक जो कि कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो ये वाली बाइक। तो ये है बाइक जो हमने अभी ली है। इनका टाइमिंग 8 to 8, तो हमें इन्होंने बोला कि 10 तक आप मैक्स टू मैक्स ला सकते हो, क्योंकि उनका सोने का भी टाइम होता है। तो लेट्स सी, अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। यहाँ पे हमने हमारा जो ड्रोन का बैग है वहाँ पे हैंग कर लिया है, अच्छी तरीके से हैंग हुआ है, गिरने का कोई चांस नहीं है ड्रोन को। और बाकी देखते हैं अभी आगे। गुड मॉर्निंग, सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और गणपति बप्पा मोरिया। चलो, तो आज का जो जर्नी है थोड़ा सा लॉन्ग है हमारा, है ना। आई थिंक मतलब अब तक की हमारी वियतनाम की सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी है। 54 किलोमीटर हमें जाना है, कुछ 1.5 घंटे की जर्नी है, 1.5 से 2 घंटे की जर्नी है। जाते वक्त हमें जो जो दिखेगा वो आपको बताएंगे। ये प्रॉपर मोटर ब्लॉग बोल सकते हो, आपको दिखेगा। तो अभी तक हम लोग जहाँ घूमने गए 2 घंटे की जर्नी 3 घंटे की जर्नी, तो हम लोग खुद से टूरिस्ट से गए थे बुकिंग करके, लेकिन इस बार हम लोग फर्स्ट बाइक से ही जा रहे हैं। तो अभी आप जो देख रहे हो वो वाइड एंगल है, मैं आपको सुपर व्यू दिखाऊंगा जो कि मोटर ब्लॉग के लिए प्रेफर होता है। तो मिलते हैं सुपर व्यू एंगल में। तो गाइस फाइनली हमारा अभी ये जो व्यू है वो हो गया है अल्ट्रा वाइड, जिसमें आपको अभी मोटर ब्लॉक का नज़ारा देखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ की जो बाइक है मतलब स्कूटर है उसमें आप देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने ना मोबाइल होल्डर भी लगा के दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। हमें अभी तक कहीं पे भी ना ये मोबाइल होल्डर मिला नहीं था, अभी इस सिटी में हमें मिला है। और यहाँ का जो वेदर है वो गर्मी है, तो हमें बाइक बहुत अच्छी तरीके से मतलब मिली है, जो कि ना आप ना हल्की हल्की हवा भी ले सकते हो और यहाँ के क्लाइमेट को भी एंजॉय कर सकते हो। बाकी कार में घूमोगे तो कार में पूरा एसी रहेगा, फिर बाहर आओगे गर्मी रहेगी, इससे अच्छा इसी वेदर को थोड़ा एंजॉय करते करते जाएंगे जैसे कि मुंबई में करते हैं। और यहाँ पे सिग्नल बहुत है इस रोड के ऊपर, पर चलिए हमें ये सिग्नल तो अभी मिला नहीं है, हम जाएंगे डायरेक्ट आगे। तो देखिए यहाँ के राइट साइड में बिल्डिंग देखिए कितनी बड़ी दिख रही है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ना रास्ते के बाजू में क्या गार्डन बना के रखे है। जो एरिया है वहाँ पे आपको ना हर वक्त ना हरियाली देखने मिलेगी, और मतलब यहाँ पे हर वक्त देखिए बहुत सारे बाइकर्स दिखेंगे, बाइकें ही दिखेंगे। मतलब जैसे आप पुणे मुंबई जाओगे जहाँ पे बाइक की जो क्वान्टिटी ज़्यादा है, वैसे यहाँ पर भी है देख सकते हो। फाइनली अभी हम ना सिटी के अंदर से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, और साइड में देखिए आपको ना क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे ऑन द वे। फ्रूट मिलेंगे, बाइक के एक्सपीरियंस मिलेंगे, और जो भी आप ना यहाँ पे थकते हो ना उसके लिए ऑप्शन मिलेंगे कि आप यहाँ पे रुक के कुछ ना कुछ शॉपिंग कर सकते हो। और क्लाइमेट देखिए थोड़ा धूप कम हो गया अभी, मतलब तो धूप बहुत था अभी। अभी हम लोग ऑलमोस्ट आ
आधे रोड पे आ गए, एक घंटे की जर्नी अभी, प्रॉपर एक घंटे की जर्नी बाकी है। तो यहाँ का एक रूल अच्छा लगा कि ये जो लेन है ये पूरा बाइकर्स के लिए ही है, यहाँ से खाली बाइक टू व्हीलर और वो वाला जो है ये फोर व्हीलर वाला है। तो एक ये सेवन साइड भी है, तो अच्छा लगा ये भी। एक तो गाइस अभी ना हम यहाँ के एक लोकल रोड से जा रहे हैं कुची टनल, और यहाँ से ना देख सकते हो ये जो रोड है ना पुराना, अपने कोई भी अपने महाराष्ट्र के रोड के हिसाब से आप देख सकते हो वैसी रोड है। और साइड में सब शॉप है, और अभी चलने वाली है नीलम जो कि एक प्रो राइडर है, उनके पास पहले से एक्टिवा है तो वो गाड़ी अच्छी चला लेती है। तो लेट्स सी हम कब तक मतलब यहाँ से आगे निकलते हैं। अभी चलो स्टार्ट। अभी हम ना एक प्रॉपर गांव के अंदर से जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो पूरा फूलों से भरा हुआ है ये रोड। अभी स्टार्टिंग में तो बहुत फूल थे, अभी कम हो गए। सो गाइस यहाँ का अगर क्लाइमेट अगर ठंडा होता था ना तो क्या मज़ा आती थी, मतलब बहुत मज़ा आता था घूमने के लिए। अभी का क्लाइमेट है ना यहाँ पे गर्म है, तो समर समझो समर चालू है, तो इस वजह से ना थोड़ी सी गर्मी हो रही है पर हवा अच्छी लग रही है। सो गाइस फाइनली ना हम यहाँ पे एक जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे ना आप कॉफ़ी पी सकते हो रुक के। तो हम भी यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए रुके, जहाँ पे ना आप देख सकते हो मल्टीपल कॉफ़ीज हैं। सो इसमें से हमने बोली है एक वाइट मिल्क कॉफ़ी विथ शुगर। तो यहाँ पे यहाँ के लोगों को ना शुगर बताना पड़ता है कि शुगर डालना है करके, नहीं तो शुगर डालेंगे नहीं। तो आप ज़रूर यहाँ पे आओगे तो शुगर बताना। और यहाँ के बच्चे लोग देखिए क्या गाड़ी से जा रहे हैं, हमारे स्कूल के तो लाइक साइकिल से जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक से जा रहे हैं। आप देख सकते हो, मैं अभी और एक बच्चे को दिखाता हूँ आपको जो कि इलेक्ट्रिक बाइक से जा रहा है, देखिए। तो ये देखिए ये है इलेक्ट्रिक बाइक, और यहाँ पे हम पीने वाले कॉफ़ी को। तो चलिए पीते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी हमने ली है तो काफ़ी अच्छी कॉफ़ी है, अच्छी लगी तो हमने और एक बोली है। कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं और फिर आगे मिलते हैं जर्नी में। सो फाइनली हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं, और ये मैम का शॉप है, हेलो बाय। तो इन्होंने अच्छा कॉफ़ी बनाया, आप यहाँ पे ज़रूर आना। और फिर से फुल पैक होके हम जा रहे हैं हमारी जर्नी के लिए। तो हमारी राइडर तैयार है। चलो, लोकल में भी इतने सिग्नल्स हैं कि गाँव वालों के लिए ईजी हो जाता है कि अगर कोई आ रहा है बाहर जा रहा है तो ईजीली वो जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं, अभी आगे की जर्नी आपको दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी यहाँ से टोटल 7 मिनट बाकी है, 4.5 किलोमीटर की जर्नी है। तो 4.5 किलोमीटर हमें जाना है और फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कुची टनल। तो गाइस अभी यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर बाकी है, और 650 मीटर के बाद हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट कुची टनल जाने के लिए। यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे मैप के थ्रू आ गए, हमने मैप पे लगाया था कुची टनल, बट ना कुची टनल का एक सीक्रेट आपको बता दूँ, अगर आप मैप के थ्रू यहाँ पे आओगे तो आपको बेसिकली क्या फेस करने मिलेगा, ये एक टेंपल है जो टेंपल का नाम है बैंडियो टेंपल, जो कुची जो एक यहाँ का प्लेस है उसका वो टेंपल है। और ये अगर आप कुची टनल डालोगे तो आपको डायरेक्टली टेंपल ही शो कराएगा। आपको फिर यही अपडेट देना था, अगर आप यहाँ पे आओगे तो मैप के थ्रू आप इस टेंपल के यहाँ पे आओगे, और यहाँ से फिर आगे की जर्नी में आपको आगे बताता हूँ। तो देखते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये एंट्री पॉइंट है का, और यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। ये देखिए एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको वैसे सजाया भी मतलब बना के भी रखा है, लगता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है, हिस्ट्री का ही कुछ पार्ट है जिस वजह से ये ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो हम जाने वाले अंदर हमारा पता नहीं एंट्री कहाँ से होने वाली है। और ये प्लेस है ना, अभी हम कड़ी धूप में देख रहे हैं, मतलब बजे दोपहर के एक सवा एक बजने आए,
तो अभी का जैसे कि मुंबई में जो धूप होती है वही धूप यहाँ पे भी है, कड़क धूप है। तो हम थोड़ा सा उसको धूप को इग्नोर करते हुए प्लेस घूम रहे, पर बाद में पता नहीं ये 2-3 घंटे में हम फिर से मुंबई की जो गर्मी है उसी गर्मी के कारण जो होता है हमारा टैन वो फिर से लौट आएगा। क्या बनाया है भव्य दिव्य, वाह सामने का व्यू देखिए, सामने का तो आपको नज़ारा देख के देखिए ऐसा लगा कि आप कहीं चाइना भी तो नहीं आए। ये देखिए यहाँ पे ना एक लेक है जी, यहाँ पे ना आप लाइक बोट से भी अंदर जा सकते हो ऐसा पता नहीं, और वहाँ पे एक बोट है, बोट के यहाँ पे जाने का रास्ता भी है और वहाँ से उतरने के लिए रास्ता भी है। ये देखिए क्या है, नीचे बड़ा सा कछुआ है जिसके ऊपर वो ये रखा है। ये पूरा मार्बल का है और ये ड्रैगन देख सकते हो पूरा मार्बल का बना हुआ ड्रैगन है। यहाँ पे भी मतलब हर एक जगह पे मार्बल यूज हुआ है। यहाँ पे आपको पता है वियतनाम में मार्बल माउंटेन है, तो यहाँ पे मार्बल के लिए ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ही वियतनाम के लोगों को वियतनाम से ही सस्ते मिलता है मार्बल। सो गाइस ये एक मंदिर है जहाँ पे हो ची मिन्ह जो है यहाँ के मेन लीडर उनका स्टैचू है और बाकी कुछ मेडल्स है आई थिंक। तो ये एक मंदिर है और जो टनल में हमें जाना है, टनल यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर आगे, तो चलिए मिलते हैं टनल के यहाँ से आगे 2 किलोमीटर। इनके ऊपर हर एक साल का ना कुछ तो एक लेख लिखा, जैसे कि वहाँ पे 1990, 1901, 1990, 1920, 1922। सो यहाँ पे देखिए इस प्लेस का ना यहाँ पे पूरा मैप है जो कि कुछ इस तरह है, वाह देख सकते हो। सो यहाँ से हमने एंट्री की थी और अंदर आए थे, अंदर आने के बाद ही ब्रिज था, ब्रिज के बाद यहाँ पे सामने वो एक टर्टल वाला एक ऑप्शन एक प्लेस था, उसके बाद ये दो और सामने ये और ये पोल, तो ये पूरा सेक्शन है जो अभी हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे हमने भरे वही, तो यहाँ से हम बाहर आएंगे, हमने बाइक यहाँ पे लगाई है, यहाँ से फिर बाहर जाके यहाँ पे 2 किलोमीटर के आगे वो टनल है। तो चलिए मिलते हैं टनल वाले स्पॉट पे, आपको उसकी भी जानकारी दूंगा कि टनल के लिए कहाँ से जाना है कैसे जाना है। और ये देखिए ये है 360 व्यू आई थिंक, इधर टनल है ना ये, तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैप भी दिया है और टच स्क्रीन के साथ है कि क्या क्या है कैसे है। सो गाइज आप देख सकते हो अभी ये जो आपने व्यू देखा ये हमारा नॉर्मल कैमरा व्यू है, अभी मैं यहाँ पे मेरे ग्लास का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैं मुझे दिखता है ऐसे। ये देखिए कुछ इस तरह यहाँ का व्यू दिख रहा है मुझे मेरे ग्लास के अंदर जो कि ये पोलराइज ग्लासेस हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक बाइक है जो कि एक लगता है इंडिया के राइडर है, पर बाइक तो इंडिया के बाहर की है, पर हमने जो राइडर को देखा ना वो राइडर कोई पंजाबी थे। तो लेट्स सी, चलिए यहाँ से अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है आगे। ये तो टेंपल था, टेंपल के आगे है चूची टनल, हर वक्त भूल जाता हूँ क्या बोलना है क्योंकि उसको चूची टनल बोलने की आदत हो गई है, पर अभी वो प्रोनाउंसिएशन ना पता नहीं सही है क्या रहोंगे, चूची टनल जो भी है वो अभी देखने जा रहे हैं। तो चलिए जाते हैं आगे। सो गाइस हम ना जैसे कि टेंपल से राइट मारते हुए आगे आए थे, तो हमें राइट नहीं लेना है, हमें ना एक और लोकेशन मिली है जो लोकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह लोकेशन है, मैं आपको ये लोकेशन मैप पिन कर दूँगा जो कि यहाँ से ना मुझे 1.9 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट लेना है, उस लेफ्ट के अंदर जाना है, वहाँ पे वो चूची टनल है। तो ये लोकेशन है ना मैप में रॉन्ग दिखा रही है, तो आपके लिए एक अपडेट होगा मेरी तरफ से कि आप है ना चूची टनल जा रहे हो, तो चूची टनल जाने के लिए आपको मैं एक लोकेशन दूंगा, उस लोकेशन पे जाना। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मैप लिंक मैं ऐड कर दूंगा। तो अगर आप इस टेंपल के यहाँ पे आओगे तो टेंपल के यहाँ पे नहीं जाना है, टेंपल से आपको बाहर आना है और फिर से टूवर्ड्स बाहर जो एग्जिट है वहाँ पे जाना है। तो गाइस ये जो मेन रोड है यहाँ से हमने जाता राइट, पर अभी हमें ऐसे आ लेना है लेफ्ट, तो लेफ्ट लेके जाना है सीधा और सीधा सीधा जाके फिर 1.8 किलोमीटर के बाद लेना है लेफ्ट, ये लेफ्ट लेके हम अंदर जाएंगे चूची टनल और यहाँ से कुछ 180 मीटर है। देखिए ये एंट्री पॉइंट, तो मेरे ख्याल से
यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा या फिर आगे जाना पड़ेगा। 180 मीटर है, 110 मीटर है। हाँ अभी हम एकदम राइट प्लेस पे पहुँचे हैं। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये है कुची टनल और यहाँ का जो पार्किंग है ये सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे पार्किंग एरिया है।